मध्य प्रदेश में आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की मेजबानी में राज्य का शहर उज्जैन भी पीछे नहीं है। उज्जैन में इन दिनों योगासन की प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। ऐसे में यहां आने वाले खिलाड़ी उज्जैन को लेकर किस तरह का दृष्टिकोण रख रहे हैं, आइए देखते हैं संवाददाता गौरव कुमार की खास रिपोर्ट। शिप्रा नदी के किनारे बसा ये है देश का अत्यंत प्राचीन शहर उज्जैन। यहाँ हर 12 वर्ष पर सिंहस्थ महाकुंभ का मेला लगता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल इस नगरी में स्थित है, लेकिन इन दिनों ये शहर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चलते चर्चा में है। उज्जैन में योगासन की प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, जिससे देश के कोने कोने से युवा एथलीट यहाँ आए हुए हैं। इन एथलीटों के लिए योगासन का उज्जैन में होना कई मायनों में बहुत अहम है, जिसे वो कुछ इस तरह बयां करते हैं। दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ आवर इन खेलो इंडिया। लास्ट ईयर भी हमारा सिलेक्शन हो गया था, बट हमें शायद चांस नहीं मिला था, बट दिस टाइम हमें चांस मिला है, तो हमने अपना बहुत बेस्ट दिया है। और ये हम बहुत एक्साइटेड थे कि उज्जैन में होने वाला है, जो महाकाल की नगरी कहा जाता है, और योगा उज्जैन में होना इट्स अपने आप में एक बहुत स्पेशल है, तो हम बहुत एक्साइटेड थे। और यहाँ पे आके फिर हमने महाकाल के दर्शन भी किए, और दिस इज़ अवर थर्ड डे। एंड हम प्रैक्टिस यहाँ पे आके हमें मालूम पड़ता है कि हमारे प्रैक्टिस में अभी क्या क्या कमी है, तो अभी हमें प्रैक्टिस और करने की ज़रूरत है। पिछली बार भी हम लोग खेलो इंडिया में गए थे, इस बार का जो सफ़र है इस बार हमारे खुद के स्टेट MP में हो रहा है, और बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि हमारे स्टेट को ये मौका मिला। हम एक होस्ट स्टेट हैं और हम लोग पूरी जी जान लगा रहे हैं अपने परफॉर्मेंसेज में। यहाँ का जितना भी पूरा अरेंजमेंट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर महाकाल नगरी है, जो भी बहुत पुण्य है हमारे लिए, हम लोग ने इनका आशीर्वाद लेके अपनी परफॉर्मेंस देंगे। और यहाँ पर जितना भी परफॉर्मेंस का एरिया, जितने भी एरिना हैं, सब बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। यहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, खाना बहुत अच्छा है, हमें जो प्रोटीन चाहिए रहता है वो ही मिलता है। हमारे लिए एक डॉक्टर है अगर हमें कोई इमरजेंसी होती है। और इसी की तरह मतलब हमने जो खेलो इंडिया एक्सपेक्ट किया था उससे कई ज़्यादा अच्छा हमें फैसिलिटीज़ मिली हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस भी उतना ही अच्छा जाए और हम एक मेडल लाएँ अपने स्टेट के लिए। दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, सो I feel very blessed because the arrangement that I have made is excellent. No words about that, because at that much accommodation, food, everything was very good provided by Madhya Pradesh. I was very happy to be in Madhya Pradesh because the Madhya Pradesh government has conducting a Khelo India Yoga competition. It's not an ordinary thing, because it was for a yoga player, it is a good identity because we are in Khelo India. So I am very proud to be a yoga practitioner. योगासन की प्रतियोगिता के बाद यहाँ मलखम की प्रतियोगिता भी आयोजित होगी, यानी कि अगले कुछ दिन उज्जैन नगरी स्वदेशी खेलों के रंग में रंगी नजर आएगी। यानी धार्मिकता का भाव और खेल का रोमांच एक पटल पर आकर उज्जैन शहर को एक नया आयाम दे रहा है। महाकाल की नगरी उज्जैन जो है वो बुलंद हौसले के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कर रही है। एक तरफ जहां जो दर्शनार्थी हैं वो महाकाल के दर्शन भी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो खिलाड़ी हैं और जो खेल को एंजॉय करने वाले दर्शक हैं वो योग के खेल को और इसकी साधना को अपने अंदर समाकर इसको भरपूर आनंद ले रहे हैं। और सबकी कोशिश यही है कि यहां से एक बेहतर मंच जो है वो सामने आकर देखने को मिले। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ मैं गौरव कुमार, DD News उज्जैन।